नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिनभर। मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। देश में पिछले कुछ समय से सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में शामिल होने पर लगे प्रतिबंध की चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से 9 जुलाई को एक आदेश जारी हुआ था, जिसमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाने की सूचना दी गई। अब राजस्थान विधानसभा में सरकारी कर्मचारी के आरएसएस के साथ जुड़ने पर प्रतिबंध का मुद्दा उठा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक संदीप शर्मा ने सदन में ये मांग उठाई। उन्होंने कहा, राजस्थान में सरकारी कर्मचारी के आरएसएस में शामिल होने पर लागू प्रतिबंध को हटा लिया जाए। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चांदीपुर वायरस का एक पॉजिटिव केस मिलने के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। चिकित्सा विभाग ने प्रदेश भर में इस वायरस को लेकर सावधानी बरतने और आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की। चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने प्रदेश में चांदीपुर वायरस का केस मिलने के बाद इस बीमारी से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जल्द पुराने भवनों, इमारतों और सड़कों का नाम बदला जा सकता है। इसके लिए सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जयपुर के मिर्जा इस्माइल रोड का नाम बदलकर भगवान गोविंद देव मार्ग रामगंज को प्रभु रामगंज, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को सवाई राम सिंह संग्रहालय और भी कई पुराने भवनों, इमारतों और सड़कों का नाम तब्दील करने की मांग की। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता शुभम का अनशन 8वें दिन भी जारी है। शुभम को सोमवार को प्रशासन ने विश्वविद्यालय परिसर से एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट कर दिया था। वो एसएमएस अस्पताल से ही अपना अनशन जारी रखे हुए। छात्र संघ चुनाव कराने, जिन सत्रों में चुनाव नहीं हुए उस दौरान ली गई राशि लौटाने और क्वेश्चन मनी से संबंधित अनियमितताओं को लेकर वो 24 अगस्त अनशन पर बैठे थे। उनके आंदोलन के बाद विश्वविद्यालय ने सभी विभागों और कॉलेज को क्वेश्चन मनी लौटाए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए थे। थिम्पू भूटान में संपन्न हुई साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में भारत की तरफ से खेलते हुए जयपुर के खिलाड़ी अब्र भाटी ने कैडेट 63 कैटेगरी में रजत पदक जीत कर भारत का नाम रोशन किया। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भरत शर्मा, फिट टू फाइट स्पोर्ट्स एकेडमी संरक्षक डॉक्टर गीता पटेल, एडवोकेट विभोर आनंद ने भी अभर को बधाई दिया। अभर के पिता दिनेश भाटी भी कराटे के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन की तैयारी कर रही है। सरकार की तरफ से रीट पात्रता परीक्षा के आयोजन की तैयारी तेज कर दी गई है। अगस्त में पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी होने की पूरी संभावना है। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस के आरोपियों को आज भी कोर्ट ने राहत नहीं दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ा दी है। बता दें, सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट बनाएगी। मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया। उन्होंने एक ईमेल coaching.law.feedback@gmail.com जारी करके लोगों से कहा कि वो इस कानून को बनाने के लिए अपना सुझाव दें। उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई। ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए कोचिंग सेंटरों पर लगाम कसनी जरूरी है। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आज वायनाड त्रासदी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि केरल में आई आपदा की सूचना अलर्ट के रूप में 7 दिन पहले राज्य सरकार को दे दी गई थी। ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे। मेरे निर्देश पर ही एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले वहां पहुंची थी। संसद की कार्रवाई के दौरान जाति को लेकर सत्ता और विपक्ष में कल हुई तकरार को लेकर मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। मायावती ने इस तकरार को नाटक करार दिया। मायावती बोली कि बीजेपी और विपक्ष का इतिहास घोर ओबीसी विरोधी रहा है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।